नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता ब्रेकिंग आरंभ करबा हले प्रथमे हेडलाइंस सीएसआईआर सोसाइटी बैठक रे वैज्ञानिक को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री कहले वर्ष करे प्रस्तुत होईछि मेड इन इंडिया वैक्सीन कोरोना महामारी शताब्दीर बड़ चैलेंज देश रे एबे कबुछि संक्रमण कोविड कटकणा को फोन नवरंगपुर कच्चामाल गांव में बालीजात्रा रे शह शह लोक सामिल पारंपरिक नाच गीतर हेले मशगुल नथिला सामाजिक दूरता पिंधि नथिले मास्क यात्रा कमिटी ठारु 10,000 टंका जरिमाना आदाय ग्राहक बेसर में माड़ बसला क्राइम ब्रांच एसटीएफ जलेश्वर दुई केजी अधिक ब्राउन सुगर जबत आनुमानिक मूल्य 2 कोटी टंका तीन गिरफ धड़ा चहर लिक नहीं चली खोलता राज्य में 8,000 तौक खसला दैनिक संक्रमण 24 घंटे 7,729 पजिट दिनक महामारी नेला आउ 39 जीवन देश में आउ 1,32,000 नू आक्रांत पुणी रेपो रेट अपरिवर्तित रखिला आरबीआई लगातार षष्ठ थर पर हेलानी परिवर्तन रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट रहा 3.35% एवं ढेंकानाल जिला मुक्तापसी पंचायत रे एनआरईजीएस रे दुर्नीति अभियोग पुरा काम देखाई टंका आत्मसात कहिसंती विभागीय अधिकारी प्रशासन निकट रे बार बार अभियोग करे भी फ्रॉड सीएसआईआर सोसाइटी बैठक में वैज्ञानिकों को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री मोदी कहते वर्षक प्रस्तुत होई मेड इन इंडिया वैक्सीन वर्तमान आम वैज्ञानिक अन्य देशर वैज्ञानिकों सह कांधरे कांध मिसाई काम करते भी मानव समाज पर कौन सी भी बड़ संकट आसी विज्ञान भल भविष्य रास्ता प्रस्तुत कर वैज्ञानिक मैंने देश को आत्मनिर्भरश कर प्रधानमंत्री कहते कोरोना महामारी शताब्दीर सबुठ बड़ चैलेंज देश में एवं कोरोना संक्रमण ह्रास पाँच हेले एबी आमर संकल्प आत्मनिर्भर भारत सशक्त भारत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बा सीएसआईआर सोसाइटी बैठक में अध्यक्षता करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे बैठक में सामिल होते प्रत्येक वर्ष यह बैठक अनुषित होता है वैज्ञानिक उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी माने सामिल होते इतिहास इस बात का गवाह है जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं संकट में समाधान और संभावनाओं को तलाशना एक नए सामर्थ्य का सृजन कर देना और यही तो साइंस का मूलभूत स्वभाव है बेसिक नेचर है यही काम सदियों से दुनिया के और भारत के वैज्ञानिकों ने किया है यही काम वो आज एक बार फिर कर रहे हैं आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव जात की सेवा करने में जुटे हुए हैं चल रहे हैं उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिकों ने एक साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी एक साल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड टेस्टिंग किट्स और अपनी जरूरी उपकरणों से देश को आत्मनिर्भर बना दिया
पुरी जिला सिन्हर स्थित रथखण में अभावन दृश्य कौन कारण को नहीं हाताहाती दुई विश्वकर्मा सेवा तो मुहांमु होवार कारण स्पष्ट होना तेज हाताहाती दुई सेवा तो नंदीघोष रथर मुख्य विश्वकर्मा विजय महापात्र और सहयोगी महाराणा रमेश महापात्र रथखण में प्राय अर्ध घंटा धरी एभली अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि जो रथ निर्माण कार्य बाधाप्राप्त होता तेज रथखण में एभली हाताहाती घटना निश्चित भाव निंदनीय चर्चा हो पुरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आम सहित बाबद आलोचना जोड़ी आलोक पुरी जिला सिन्हर स्थित रथकड़ में जो अभावन दृश्य देखा मिली तापी जितेबाद पुरी वर्तमान रथजात्रा जलचंचल रही बड़दाण्ड वर्तमान चलचंचल रही बदले ये जो चित्र बर्तमान सामना को आसूसी ये नि अभावन और से घृण्य तेरे बास्तविक कौन घटना घटी पूरा घटना कौन आप जानवाक चाहिए आलोक निश्चित भाव में निवेदिता आप जो कथा कहते निश्चित भाव में यह एक अभावनीय अभावनीय घटना कहले अत्युक्ति हम नहीं कारण रथ निर्माण जो सेवायत मैंने नियोजित होती निवेदिता से महाप्रभु समर्पण मनोभाव रखिकी रथ निर्माण करुंच गोटेपटे रथकड़ा संपूर्ण रूपे चलचंचल होती आज एक अभावनीय घटना रथकड़ देखा मिलता दुई जन विश्वकर्मा सेवायतों मध्य जुक्तितर्क होता हाताहाती परिस्थिति सृष्टि होता किंतु वास्तविक एपर्यंत कौन पर घटना घटी किसी स्पष्ट हो पारि ना तेज जी रही नंदीघोष रथर मुख्य विश्वकर्मा सेवायत विजय महापात्र सहयोगी सेवायत जी रही रमेश महापात्र दुई जन आप देखिपे से भिजुआल में कथा कटाकटी हो जो सुरक्षा कर्मी मैंने से दुई जन को बुझासुझा करने श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय को नौते आप जानते रथकड़ा गोटेपटे संपूर्ण चलचंचल पड़ी कितु महाप्रभु पाखे समर्पण मनोभाव रखिकी जदि रथकड़े एभली अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हुए निवेदिता निश्चित भाव यह एक अभावनीय घटना यह एक लज्जाजनक घटना और भविष्य में किभली भाव में यह घटनार पुनरावृत्ति न हो से नहीं उभय पक्ष को श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय ठार बुझाबुझि कर सारा बर्तमान रथ निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती किंतु प्रायतः अर्ध घंटा धरी रथ निर्माण प्रक्रिया बंद रही है तेरे निश्चित भाव में आशा करवा चलित बर्ष महाप्रभु रथ निर्माण पर जो सेवायत मैंने नियोजित होने कि कारण को नहीं जो विश्वकर्मा सेवायत हाताहाती होते प्रकृति में कारण टी कौन कहीं परिस्थिति उपजिला जिते बड़े रथ काम को नहीं बर्तमान बड़दाण्ड चलचंचल रही एक समय अभावन स्थित उपजा निंदा जनक तेज आलोक से कारण टी कौन जानवा चाहबू देखो निवेदिता आम उभय पक्ष को पचारू जेहेतु से गोष्ठीगत सेवा रही भितर कौन कथा कटाकटी होता कौन हाताहाती परिस्थिति उपजिला और कौन जुक्तितर्क उभय पक्ष गणमाध्यम को कौन विस्तृत सूचना देना श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर विस्तृत सूचना दि जाऊना किंतु घटनाटे बर्तमान आपोष समाधान हो जाए बर्तमान रथखल रथ निर्माण प्रक्रिया जारी रही है और भविष्य में किभली भाव में यह घटना पुनरावृत्ति न हो से श्रीमंदिर प्रशासन तरफ समस्त निज समस्त महाराणा सेवायत ओके बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष आम पूरी प्रतिनिधि आम सहित जोड़े बाबद आलोचना करते तेज बड़ कथा होते महाप्रभु घोषयात्रा को नहीं पूरा चलचंचल रही बड़दाण्ड पुरी वर्तमान चलचंचल रही ये जो परिस्थिति सामना को आसुच्छी जो चित्र सामना को आसली भाव कौन से कारण को नहीं जो सेवायत मैंने रही हाताहाती परिस्थिति उपजुच्छी और वर्तमान परिस्थिति जदि शांत रही तेज यह एक चित्र सामना को आसवा निहांती भाव में अभावनीय जितकी निंदनीय बुलेटिन खबर आगो को जारी रहा समय एक छोट ब्रेक ब्रेक पर स्वागत तो बालेश्वर जलेश्वर में क्राइमब्रांच एसडीओ पर चढ़ऊ दुई केजी अधिक ब्राउन सुगर जबत कर जबत ब्राउन सुगर आनुमानिक मूल्य दुई कोटी टंका है सूचना मिली तीन जन को गिरफ्त कर एसडीएफ ब्राउन सुगर बिकवा को जगिता बेले ग्राहक बेस में माड़ बसला एसडीएफ तीन बेपारी धड़ाचर लिंक नहीं चली खोलताड़ ये लास्ट ईयर ड्राइव आरंभ होता जानी इसमें
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 32 କେଜି ମିଶାଇଲେ ପାଖାପାଖି ଏସ୍ଟିଏଲ୍ ହୋଇ 32 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆମେ ସିଜ୍ କରିସାରିଛୁ। 100 ବେଶୀ ଡ୍ରଗ୍ ଫଣ୍ଡର ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଞ୍ଜା ଫଣ୍ଡର ବି 66 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କେଜି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 66 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗାଞ୍ଜା ସିଜ୍ ହୋଇଛି ସିନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର। ଆର୍ ଏ ମାତ୍ର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁର ଏ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚଲଉଛି। ଆର୍ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆମର ଏ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରହି ନାର୍କୋଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇଲିଗାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଲିଛି ଯାନିଯାତ୍ରା। ଶହଶହ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାକୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କଚାମାଲ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଗଣପର୍ବ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଶହଶହ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ନାଚ ଗୀତରେ ଆସର ଜମାଇଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ମସଗୁଲ, କାହାରି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥିଲା କି ନଥିଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଜମାଇବା ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କୋଡ଼ିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୋଡ଼ିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସରିତା ମହାପାତ୍ର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା କମିଟିଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 8,000 ତଳକୁ ଖସିଲା କରୋନାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 7,729 ପଜିଟିଭ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 4,331 ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ ରହିଛି। 3,398 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,062 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଆଉ 720 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ 449, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 442, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 426, ଯାଜପୁରରୁ 388, ପୁରୀରୁ 333, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 310 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି 68,604 କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ପଜିଟିଭ୍ ହାର 11% ଘଟିଛି। ସେପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 39 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,912 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଦେବଗଡ଼, କଟକ ଓ ବୌଦ୍ଧରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 1 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେବେ ଦେଶରେ ଲଗାତାର କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 1,32,364 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2,713 ଜଣଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ 2,07,071 ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର 22 ଦିନରେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଯାବତ 2,65,97,665 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 22,41,09,448 ଜଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଲେଣି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଚଳିତ ଥର 12ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନଜର ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ଆରି ପରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବସୁଥିଲା। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବୈଠକ ଡାକୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଆସିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ବଡ଼ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, 12ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ବାବଦରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିଲା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ
କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ବୈଠକ ବସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ? देखो निवेदिता निश्चित भाव में आपड़ जो भाव जानते केन्द्र सरकार किसी दिन तले सीबीएसई परीक्षा को बातिल करते प्रधानमंत्री से समय कही छात्र छात्री स्वास्थ्य आग गुरुत्वपूर्ण प्रथम से जीवन कि सुरक्षित रहा दिग्वे विचार विमर्श करपत्ति बर्तमान तापर लगातार भाव राज्य सरकार उपर नजर रही है। राज्य सरकार कौन निष्पत्ति नौकर राज्यर जो पिला बर्तमान द्वादश श्रेणी परीक्षा देवे से कौन निष्पत्ति राज्य सरकार ने जहाँ विचार विमर्श चलता घन घन बैठक होता विभिन्न समय अभिभावक महासंघ हूँ कि जो स्टेक होल्डर मैंने अच्छा सहित अगर तमाम सरकारी अधिकारी मैंने मंत्री मुख्यमंत्री स्तर में बैठक होई आज मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ जो घोषणानामा आसी कर्तमान प्लस टू परीक्षा को स्थगित कराऊ जेहेतु बर्तमान कोरोनार समय रही परिस्थिति परीक्षा करने संभव ना बातिल सहित मुख्यमंत्री कहते आमपाई परीक्षा ठार् छात्र छात्री जीवन अधिक गुरुत्वपूर्ण एभली एक संदेश मुख्यमंत्री देखते राज्यवासी को छात्र छात्री को सहित अनेक गुड़े जिनस लिखा जाए प्रेस लिज में जमीक मुख्यमंत्री कहते जे छात्र छात्री हूँ शिक्षक हूँ अभिभावक हूँ सेमानक स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टि रखी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित होता द्वादश श्रेणी परीक्षा को बातिल एभली एक प्रसंग बर्तमान कह बड़ खबर आम कहीपर जे राज्यर जो प्लस टू परीक्षा को बातिल करछन्ति राज्य सरकार एवं जो कथा बारंबार बैठक में निष्पत्ति हो पार नथला दुई दिन धरी बैठक चलता विभिन्न स्टेक होल्डर मैंने हूँ अभिभावक महासंघ हूँ अभिभावक मान मान हूँ कि छात्र छात्री मान सहित आलोचना होता कि छात्र छात्री अंशग्रहण करते जहाँ सूचना रही समस्त सहित आलोचना करापे एभली एक निष्पत्ति शेष लाइन जब आप देखिए मुख्यमंत्री कहते जो निष्पत्ति समस्त नजर रही जदिनी बड़ घोषणा सरकार कहते बातिल करागला परीक्षा को किंतु दिव्य मूल्यायन केमती हम या नहीं बर्तमान समस्त मध्य द्वंद्व रही एमती किसी स्पष्टीकरण आसूच कि मूल्यायन क्यों बेसिक कहीं सब अनेक छात्र छात्री रही जो मैंने भल पाठ पढ़ती समस्त नजर रही मूल्यायन केमती एने कौन कथा सामना को आसूच कि देखो निश्चित भाव निवेदिता मुझसे कथा ही कहती आप देखते शेष लाइन को जब आप देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय जो प्रेस लिज आ शेष लाइन रही आप देखिए कहु द्वादश श्रेणी में छात्र छात्री दक्षतार मूल्यायन विशेषज्ञ मानक परामर्शक्रमे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तम भाव में निर्धारित मापदंड द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा मध्य करने मुख्यमंत्री निर्देश देते अर्थात मुख्यमंत्री निर्देश रही निर्दिष्ट मापदंड निर्धारित समय पूर्व यह शेष करने मूल्यायन को किभली भाव शेष होने विशेषज्ञ मानक परामर्श निजी निहत भाव गोटे बड़ कथा निर्दिष्ट समय भितर शेष हे और सठिक भाव में मूल्यायन किभ हो पार से नहीं विशेषज्ञ मानक परामर्श ने मुख्यमंत्री निर्देश देते आउ गोटे कथा कहते मूल्यायन जदि कौन छात्र छात्री सन्तुष्ट न हूँ तेज से चाहिए परीक्षा दे पारे अर्थात आउ थे परीक्षा दे पारे और परिस्थितर समीक्षा कर परीक्षा केत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ही निर्णय कर निश्चित भाव में जदि जो मूल्यायन को नहीं कौन छात्र छात्री असंतुष्ट रोचु लगुच मूल्यायन सठिक ढंग से होना से आउ थे परीक्षा दे पारे और जो परीक्षा आउ थे हेब से उच्चशिक्षा विभाग निर्णय नब जो केतबले क्योंटी परीक्षा करेतु कोरोना समय रही से उच्चशिक्षा विभाग को कहुई आपड़ स्थिति देख निष्पत्ति निवेदिता निहांती भाव में स्थिति देखी निष्पत्ति नियंतु गोटे बड़ घोषणा मुख्यमंत्री कहते जहाँ समस्त नजर रही है और यार नहीं बैठक बसुला दिव्य बहुत बहुत धन्यवाद आपड़ सहित जोड़े और अपडेट दौले तेज जहाँ बर्तमान समय बड़ खबर समस्त नजर रही है खबर उपर बास्तविक युक्त दुई परीक्षा को केमती यह तारी मध्य एक खबर आसी पहुँचुच्छी युक्त दुई परीक्षा को बातिल करा जाए।